साहब, नेता जो है वो वैसे समय समय पे चक्कर काटते हैं अपने मतलब के लिए, लेकिन जवान शहीद हो जाते हैं तब उनके पास कोई समय नहीं होता है, तो उसको लेकर के क्या सोच आप कहेंगे? आज एक भी नेता दिखाई नहीं देना। ऐसा है, यदि वोट का टाइम होता तो दिन में तीन तीन चार चार चक्कर है लगते हैं, हमने देखा है। मैं भी 53 साल का हो गया हूँ, 53 साल से कम 40 सालों से मैं लेकर देख रहा हूँ। इलेक्शन के दौरान तो चक्कर काटते हैं, लेकिन जैसे इस टाइप की बात होती है, कोई शहीद होता है और होता है, तो देखो आप ही देख रहे हो आज कोई भी, यदि नेतृत्व की बात करें तो नहीं है। यदि कोई होता तो हमें मंदिर की सांत्वना मिलती, गांव को सांत्वना मिलती, शहीद परिवार को सांत्वना मिलती, उस छोटी सी बेटी को सांत्वना मिलती जिन्होंने आज अपना बाप खोया है, एक विधवा है जिन्होंने अपने पति खोया है, माँ बाप है जिन्होंने अपना बेटा खोया है, देश के लिए खोया है। धन्यवाद। चलो वैसे पहले देवों की भूमि हुआ करती थी, अब अगर वीर शहीदों की भूमि कहें तो कुछ गलत ना होगा। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस वीर जवान के साथ? बिल्कुल भाई साहब, 15 दिन का समय हुआ है भारत माँ के 2 लाड़ले आज परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में है। 15 दिन का समय हुआ है, ऐतिहासिक नगरी है हमारी पीली मंदोरी, यहाँ के मेरे ख्याल सैकड़ों युवा जो है वो भारत माता की सेवा कर रहे हैं। आज एक तरह से फख्र की बात है कि देश की सेवा करते हुए हमारे 2 जवान पिछले 15 दिनों में शहीद हुए, लेकिन आपने देखा होगा 3.5 साल की बेटी है जो मुख्यागिनि दे रही थी, और विधवा उसकी विधवा है, उनकी उम्र 30-32 साल है, 28 साल की एज है, माँ बाप के ये हालात, और उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि अगले जन्म में भी अगर हमें भारत माँ की लाडले के रूप पर अगर हमारा बेटा इसी तरह प्राणों की रक्षा करते हुए देश की सेवा करते हुए देना पड़ा तो हम बेफिक्र होकर बोली, इससे बड़ी और गौरव की बात है। धर्म नगरी के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि इसी प्रकार देश की सेवा करके वो युवाओं से यही कहना चाहता हूँ कि जितना हो सके अपने देश के लिए सर्वोच्च देना चाहिए।